अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सितारा के दस्तरखान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कैपेचिनो बनाएंगे हम। तो कैपेचिनो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ये मैंने लेवल्ड कप जो है वो कॉफ़ी का लिया है, और यही लेवल्ड कप मैं लूँगी शुगर का। यही लेवल्ड कप मैं शुगर कर लूंगी, और यही कप मैं लेवल करके यहाँ पर लूंगी हॉट वाटर का। ये पानी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था तो ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये तीनों चीजें ऐड कर ली मैंने, और अब मैंने इनको बीटर से बीट कर लेना है। थोड़ी सी देर इसको मैंने बीट करना है यहाँ तक कि इसका कॉफी का जो कलर है ये ब्लैक से स्किन की तरफ आना शुरू हो जाए, लाइट सा गोल्डन सा हो जाए। तो मैं इसको बीट कर लेती हूँ। ये देखिए, एक मिनट मैंने कॉफी को बीट किया है और एक मिनट में ये इसका इस तरह का टेक्सचर आ गया है। बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया है। आप चाहें तो बस इसको यहीं पर इनफ कर सकते हैं। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका, और कलर देखें लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो ये इतनी ही काफी है, इससे ज्यादा की बीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा बीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ये बहुत ज्यादा। ये देखिए माशाल्लाह से क्रीमी और थिक इसका टेक्सचर हो चुका है। तो अब हम इसका दूध तैयार कर लेते हैं। तो दूध तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है, मैंने यहाँ पर एक पैन में दूध ले लिया है। जितने कप मैंने कॉफी बनानी है उतने कप मुझे दूध रिक्वायर्ड है। तो इसको मैं कर लेती हूँ गर्म, इसको अच्छे से मैं बॉइल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 5 कप के करीब दूध लिया है मैंने, और इसको मैंने जब इसका बॉइल आ गया है तो मैं इसको विक्स की मदद से तरीके से हिलाऊंगी ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी साइड पे झाग आना शुरू हो जाए। ये तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है कप और इसके अंदर मैं ये 1 स्पून ऐड कर दूंगी। टू टेबल स्पून जो है मैं इन सब के अंदर डाल दूंगी। दूध बॉइल हो चुका था मेरा, अब मैं इसके ऊपर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये वाला इस तरह का कॉफ़ी का बैटर आप बना कर रख सकते हैं, तकरीबन ये हफ्ता चल जाता है। वैसे तो अगर आप बीटर में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ जस्ट 1 मिनट लगा है, और ये इतना अच्छा सा फोमी सा हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है कॉफ़ी का। बहुत ज़बरदस्त, अगर हाँ हाथों से मेहनत करनी पड़े तो उसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अंदर मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी और डाल दूँगी। तो बस मैं ये देखिए माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त कॉफी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको मजीद जबरदस्त करने के लिए यहाँ पर मैं कोको पाउडर थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहें तो आप ना करें, मुझे वैसे अच्छा लगता है कि ऊपर। तो ये मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा जस्ट खूबसूरती के लिए। तो देखिए मिनटों में हमारी कॉफी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है जबरदस्त। ये देखिए हमारे चारों कप बहुत जबरदस्त से बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। और ये वाली कॉफ़ी सर्दियों की तो जान है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करके फिर बताइएगा कि आप कैसी बनी थी और ये मिनटों में बनी थी या नहीं बनी थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।